बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश भर में नए हिट एंड रन केस का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों से लेकर वाहन चालकों की मांग अब तेज हो चली है। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन अब तेज हो चला है। देश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए हिट एंड रन केस के विरोध में सड़क पर अब ड्राइवर्स उतर चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है। नए कानून के विरोध पर सड़क पर तमाम विरोध के ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज, साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जगह जगह ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी जयपुर हो या फिर राजस्थान के दूसरे जिले, सभी जगहों से एक सुर में जो आवाज बुलंद हो रही है वो ये कि हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। बात राजधानी जयपुर की करें तो कई जगहों पर वाहन को रोक दिया गया। भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर और दिल्ली रूट पर गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए गए। जगह जगह नारेबाजी करते हुए ड्राइवर नजर आए। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राजस्थान में टैक्सी एसोसिएशन, निजी बस ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन या फिर राजस्थान रोडवेज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदेश से निकलने वाले वाहनों को एमपी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर के अलावा दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वाहनों को रोकने की वजह से कई जगहों पर जाम की खबरें सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को बस में बिठाकर रवाना किया। वाहन चालक सरकार से बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। करौली में हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों ने हड़ताल कर विरोध जताया। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन धौलपुर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिसके चलते नए साल पर केला देवी, मदन मोहन जी आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को खासी परेशानी हुई। ड्राइवरों को डर है कि नए कानून से उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत निकाला है, इस पे कोई ना कोई कानून पे इस पे सोल्यूशन निकाला जाए। क्या कानून है? ये कानून, ये 10 साल की सजा जो जमानत होती थी पहले, ये जमानत बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर कोई ड्राइवर 20 साल या 15 साल ड्राइवर करने के बाद कोई पेंशन होती या 10,000 के बजाय 8,000-10,000 में, जो रात दिन 2400 घंटा जो ड्राइवर ही करते हैं काल में बच्चे ने, तो 10 साल की सजा कहाँ से सहन कर पाएंगे। करौली के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी ड्राइवर यूनियंस ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां ड्राइवर्स ने सरकार को 5 जनवरी तक फैसला लेने की धमकी दी, वरना 6 जनवरी से सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर और अजमेर में भी नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। अलग अलग राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवर वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याएं सामने आई। कोटपुली से आ रहा हूं मैं अजमेर के लिए। ये आगे पड़ासोले में बिल्कुल बंद किया हुआ है और मुखमपुरा में पूरा बिल्कुल क्लोज जाम कर रखा है। बिल्कुल भी साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों का कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर है नहीं। ये लोग बोल रहे कि क्योंकि मेरा तो जयपुर पाली टू जयपुर की टिकट मैंने बुक की थी, तो मेरा इनका एक ही आंसर है कि चलो आपने, आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग स्ट्राइक पे हो तो रिफंड कर दीजिए, यहाँ तक का अजमेर तक का जो है उसके बाद आगे का रिफंड कर दीजिए। बट इनका भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई है नहीं।
नए हिट एंड रन कानून का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध, विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह है हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव। नए कानून के दो प्रावधानों पर ड्राइवर्स को एतराज है। पहले कानून में थाने से ही आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा हिट एंड रन में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, जबकि संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का कानून पारित हुआ है, जिसका विरोध ड्राइवरों के जरिए किया जा रहा है। और कैबिनेट गठन के बाद अब मंत्रियों ने ऑफिस ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर और मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अपने अपने ऑफिस ज्वाइन किए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अब भी एक सवाल बना हुआ है कि पदभार संभालने वाले मंत्रियों को विभाग कब तक मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले दिन भजनलाल सरकार में मंत्री और कई नेताओं ने सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच जिन जिन मंत्रियों ने पदभार संभाला उनमें सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संभाला पदभार, विधि विधान से सचिवालय में की पूजा अर्चना, शुभ मौके पर पूरा परिवार था साथ। तस्वीरें सचिवालय के कमरा नंबर 4103 की हैं, जहां बैठकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जनता से किए वायदों को अमली जामा पहनाएंगे। नए साल के पहले दिन वो अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पदभार संभाला। सचिवालय पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कमरा नंबर 4103 में शुभ मुहूर्त के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और जनता से वादा किया कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की जाएगी। ये जीवन के सबसे शानदार दिन है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, जहां सुविधाएं आसान हो रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं, योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं, आसान हो रही हैं और राम राज्य स्थापित हो रहा है पूरे देश के अंदर। देखिए, ये तो हमारी पीढ़ी के लिए, आपके मेरे लिए, जो हम जीवित हैं, सदियों बाद राम मंदिर स्थापित हो रहा है और वो भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के। ये अपने आप में एक इतिहास है। सबको साथ में लेकर, पूरे देश के एक एक नागरिक को साथ में लेकर ये काम हो रहा है और उसमें सब जुड़ रहे हैं। अभी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, सब आराम से वहां जाकर दर्शन भी कर लें। मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संभाला पदभार, सचिवालय में हुआ जोरदार स्वागत। पदभार संभालने वाले नेताओं में दूसरा नाम है मंत्री जोगाराम पटेल का, जिन्होंने सचिवालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। इस दौरान फूल माला पहनकर उनका मुंह मीठा किया गया। सबसे पहले तो आपके प्रसिद्ध और घर घर के चैनल की मार्फत मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने हमारा हौसला अफजाई की है। आज हमने प्रभु के आशीर्वाद से, हमारे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी हमने दी उस जिम्मेवारी को ग्रहण किया है और मैं आपकी मार्फत, पूरे चैनल की मार्फत, आप आवाम को, मेरी लूणी की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आम आवाम की जो अपेक्षा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके अनुसार कार्रवाई करते जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के हमारे सपने को पूरा करेंगे। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने संभाला पदभार, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। सचिवालय में पदभार संभालने वाले मंत्रियों में जवाहर सिंह बेढम भी थे, जिन्होंने सचिवालय की तीसरी मंजिल पर अलॉट किए गए अपने कमरे में पदभार संभाला। इस दौरान उनका भी जोरदार स्वागत हुआ। पदभार ग्रहण करने के बाद जवाहर सिंह बेढम ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और जनता से किए वायदों को पूरा करने का भरोसा जताया। अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना शुरू हो गया है और अब नेता, पुलिस और अपराधियों की साठगांठ के कारण आम जनता परेशान नहीं होगी। पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों के बर्दस्त के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े, गौ तस्करों के हौसले बढ़े,
लूट चोरी नकबजनी करने वालों के हौसले बढ़े, पेपर लीक करने वालों के हौसले बढ़े, और तो और हमारी सनातन संस्कृति पर हमला हुआ, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, तुष्टिकरण हुआ, उन सारी चीजों पर ब्रेक लगाते हुए एक शांति प्रिय प्रदेश विकसित राजस्थान, विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उसमें विकसित राजस्थान भी अपने पायदान पर पहुंच करके उसमें सहयोग प्रदान करें। अविनाश गहलोत ने संभाला पदभार, परिवार के साथ कक्ष में की पूजा अर्चना। वहीं मंत्री अविनाश गहलोत ने भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार के साथ अपने कक्ष में पदभार को संभाला। कि जिस उम्मीद के साथ में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, जो बहुमत दिया है, चुनाव पूर्व जो हमारे घोषणा पत्र था, हमारे जो मैनिफेस्टो था, उस पर काम करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज चूंकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में सचिवालय में पहला दिन है, बैठकर अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर बात करेंगे, आज कल में पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो जाएगा। मुख्य रूप से हमारी प्रमुख ये रहेगा कि जो विभाग मिलता है उसमें विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, राजस्थान की जनता परेशानी नहीं हो। जो 5 साल के अंदर उन्होंने कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार देखा, कानून व्यवस्था देखी, उससे कहीं बाहर निकलकर हम लोग अच्छा काम करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक ढंग से हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, लोगों को समय पर राहत मिले। ओटाराम देवासी ने संभाला पदभार, गोविंद देव जी मंदिर में किया दर्शन पूजन। नए साल की शुरुआत पर जिम्मेदारी संभालने वालों में ओटाराम देवासी का नाम भी शामिल था, जिन्होंने सचिवालय की पहली मंजिल पर उन्हें अलॉट किए गए कक्ष में अपना पदभार संभाला। हालांकि इससे पहले वो जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। एक एक कर कई मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जो औपचारिक रूप से काम करने की बात कर रहे हैं। जनता भी उम्मीद कर रही है कि सरकार विभागों के बंटवारे करे, ताकि उनके रुके हुए काम रफ्तार पकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और जयपुर में सिटी पार्क में सीएम भजन लाल शर्मा ने सुबह सुबह आम जन को तब अचरज में डाल दिया, जब सीएम खुद लोगों के बीच पहुंचकर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। सीएम को अचानक सुबह सुबह पार्क में देखकर लोग हैरत में आ गए। सीएम अपने काम के साथ साथ सेहत का भी खूब ध्यान रख रहे हैं और लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम ने लोगों से बातचीत की और उनकी सेहत के बारे में पूछा। वहीं सीएम भजन लाल ने लोगों के साथ चाय की चुस्कियां भी ली। बिल्कुल, तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यही जो सरल अंदाज है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर जब अल सुबह सिटी पार्क के अंदर लोगों ने देखा तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के सिटी पार्क की तस्वीरें, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजन लाल शर्मा, तमाम लोगों से मुलाकात की, लोग अचरज में पड़ गए, हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए कि आज मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया खुद हमारे बीच मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहा है। दो बातें से साफ होती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है, उसके पहले जायजा लेने के लिए भी मॉर्निंग वॉक पर निकल सकते हैं। लेकिन जो भी वजह है, ये दिलचस्प मूवमेंट था उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों ने मुलाकात की, बच्चों के साथ भी उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, तमाम लोग जो आते गए आदर सत्कार के साथ उसको स्वीकार करते हुए सरलता भाव से आगे बढ़ते हुए मॉर्निंग वॉक करते हुए भजन लाल शर्मा। दूसरी तरफ चाय की चुस्कियां भी उन्होंने साथ बैठकर लोगों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर जब अल सुबह सिटी पार्क के अंदर लोगों ने देखा तो कहीं ना कहीं वो अचरज के अंदर है, हर कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर जयपुर के सिटी पार्क में निकले थे भजन लाल शर्मा और तमाम लोग, अब भीड़ क्योंकि बढ़ती गई, जो लोगों को पता चला या जो लोग सेल्फी खिंचवाए तुरंत उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया होगा, तो आसपास के लोग भी अगर देखे होंगे तो वो भी आ गए होंगे उस सिटी पार्क में, और वंदे मातरम के नारों से भी वो सिटी पार्क गूंज उठा।
वो साल आखिर आ ही गया जिसमें प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसी महीने 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। नए साल के मौके पर भक्तों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं नए साल के पहले दिन कैसी है अयोध्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसी जैसी नजदीक आ रही है, मंदिर ट्रस्ट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बाईस जनवरी को मंदिर के गर्भगृह की गुलाब के फूलों से सजावट होगी। ये फूल भी कोई आम फूल नहीं बल्कि बेहद खास होने वाले हैं। गुजरात के अशोक भाई भानुशाली की ओर से डिजाइन किए गए इन फूलों में भगवान राम और तिरंगा के साथ साथ पीएम मोदी सीएम योगी की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। 22 जनवरी को रामलला जब गर्भगृह में विराजमान होंगे तो पूरा गर्भगृह गुलाब के इन फूलों से सजा होगा। लेकिन गुलाब के इन फूलों की खासियत क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। आप देखिए, एक पर आपको राम मंदिर का चित्र उकेरा हुआ नजर आ जाएगा, श्री राम मंदिर का चित्र उकेरा हुआ। एक पर आपको आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ दिख जाएगा। एक पर योगी जी की तस्वीर है, एक पर मोदी जी की तस्वीर है, एक पर राजा राम की तस्वीर है। चूंकि राजा राम का उत्सव है तो उनकी तस्वीर भी आप गुलाब के इन फूलों पर देख सकते हैं। इन्हीं फूलों से गर्भगृह को सजाया जाएगा, मंदिर की सजावट की जाएगी। ये इतना सेंसिटिव है, जैसे एक दिन का जो बच्चा होता है उसकी स्किन जितनी सेंसिटिव है उससे भी ज्यादा ये सेंसिटिव है। हमने लेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है और अब उस लेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसके ऊपर ये पूरा आर्ट कर सकते हैं। और इसमें मशीनों का काम है करीबन 10% है और 90% इसमें मैन्युअली हाथों से काम होता है। इन फूलों से भगवान राम के गर्भगृह की सजावट होगी। गुजरात से आए कारीगरों ने बताया कि इन फूलों पर इस तरह के डिजाइन बनाने में काफी मेहनत लगती है। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के माध्यम से आह्वान किया गया था कि देश के 5 लाख गांवों में, शहरों में, नगरों में हम अक्षत वितरण करके 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है भगवान श्री रामलला का, उसे उमंग पूर्वक, उत्साह पूर्वक मनाएंगे। विभिन्न जातियों, विभिन्न पंथों के माध्यम से जो मठ मंदिर हैं या जो भी पूजन स्थल हैं वहां पर लोग केंद्रित होकर पूजन करें उस दिन। और ये अक्षत आवाहन है, निमंत्रण है उन लोगों को, ताकि यह कार्यक्रम भव्यता के साथ, जो है दिव्यता के साथ मनाया जाए। 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 15 जनवरी से रामलला पर चढ़ाए गए अक्षत के साथ पूरे देश में घर घर अक्षत देंगे और 22 जनवरी के दिन के लिए अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र होने का निवेदन करेंगे। कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंद उत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस अक्षत को लेकर देश के 5 लाख घरों में जाएंगे और सभी को 22 जनवरी के लिए जागरूक करेंगे। अभियान जो है पूजित अक्षत कलश जो है आमंत्रण अभियान, इसको कहा जाता है आमंत्रण अभियान। अच्छा। ये हम हर घर घर में जा करके आमंत्रण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं नए साल के पहले दिन अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से लोग अयोध्या में रामलला की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। सभी ने भगवान राम के नए मंदिर के स्वरूप को देखकर खुशी जाहिर की। ये मंगल बेला है जिस बेला का इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा था
अयोध्या में जहां एक तरफ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, तो साथ ही साथ पूरे अयोध्या को नया रूप दिया जा रहा है। ये नए साल का बदलाव है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि एक टीस, एक पीड़ा राम भक्तों के मन में रहा करती थी कि नववर्ष पर हम एक दूसरे को मंगल कामनाएं देते हैं, लेकिन हम रामलला को मंगल कामनाएं नहीं दे पा रहे हैं। उनकी पीड़ा अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं अपने स्थान पर विराजमान होने का, उस स्थान पर विराजमान होने का जहां उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन इस साल 2024 उस इंतजार को भी समाप्त कर रहा है, न सिर्फ रामलला के इंतजार को बल्कि राम भक्तों के भी इंतजार को। रामलला उस स्थान पर विराजमान हो जाएंगे जहां उन्होंने जन्म लिया था। नए साल के पहले दिन भगवान राम के दर पर खुद को पाकर भक्तों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। हनुमान गढ़ी में दर्शन के बाद भक्तों ने न्यूज 18 पर अयोध्या में सजावट की जमकर तारीफ की। नए साल पे हनुमान जी के दर्शन हो गए, रामलला के दर्शन हो गए, क्या है मन में भाव? ओह बहुत अच्छे है, यहाँ पे राम मंदिर बन जाएगा और राम सियाराम जी का जय जयकार। जी आप बताइए। बहुत बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके दर्शन करके, नए साल के पहले दिन के बहुत अच्छा लगा सबको। हम 40 लोग हैं और बहुत धन्यता अनुभवते हैं। अच्छा आप सब लोग साथ में आए हैं, दर्शन हो गए अम्मा? कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और रामलला के भी दर्शन हो गए? राम के हो गया दर्शन। अच्छा या बहुत खुशी हुई। नए साल पर सब मंगल ही मंगल हो रहा है। मंगल मंगल, हाँ हाँ, आनंद हो गया। अब राम राजा है, मंगल मंगल तो होगा ही भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं नए साल के पहले दिन भगवान राम को एक भक्त ने 56 भोग चढ़ाया। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि भगवान में आस्था रखने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 24 वर्ष सभी देशवासियों के लिए सनासु हो, सभी अच्छे से रहें और सभी कष्टों से दूर रहें, और जो भी देश के लिए समस्याएं हो समाधान हो और शांति बनी रहे, ये हमारी शुभकामना देशवासियों के लिए है। 2024 अयोध्या के लिए खास होने वाला है। 22 जनवरी से पहले राम की नगरी हर दिन नया साल मना रही है, इसलिए भक्त भी नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए अयोध्या को चुन रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भी तेज हो रही हैं। दिल्ली में राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, और इस बैठक में देश भर से पार्टी नेताओं के आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि हर राज्य से 2 पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। ये भी आपको बताते चले कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 जनवरी से पूरे देश भर की हर लोकसभा से हजारों की संख्या में आम लोगों को दर्शन कराने की योजना पर चर्चा होगी। ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रहने के आसार है। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है, और दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर भी शुरू हो गया है। नए वर्ष के पहले दिन भी ठिठुरन का एहसास हुआ। सफदरजंग का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।